एक युवक द्वारा बिलासपुर के कोठी पुल पर हैंडवॉक हैरतअंगेज कारनामे के वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। इस विषय की जानकारी मिलते ही न्यूज मीडिया टीम ने अनोखे करतब दिखाने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी, जिसके चलते मीडिया की टीम युवक के साथ संपर्क साधने में सफल रही। जब युवक से मीडिया टीम ने संपर्क साधा तो युवक बॉलीवुड सेलिब्रिटी मार्शल आर्ट ट्रेनर निकला। युवक ने बताया कि उसका नाम मनीष ठाकुर है, वे जिला बिलासपुर के मझासो गांव का रहने वाला है। वे एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता रतन सिंह ठाकुर LIC में एजेंट का काम करते हैं, जबकि उसकी माता गृहिणी महिला है। मनीष ठाकुर ने कहा कि उसका बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना सपना था, लेकिन इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश में सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते उसने चंडीगढ़ में स्थित एक संस्थान में प्रवेश लिया, लेकिन अधिक फीस चार्ज करने के चलते निर्धनता आड़े आई। धनाभाव के चलते उसे वो संस्थान छोड़ना पड़ा, लेकिन मनीष ठाकुर का कहना है कि उसने इतने बुरे दिन देखने के उपरांत भी हिम्मत नहीं हारी। चंडीगढ़ छोड़कर वह फिल्म नगरी मुंबई पहुंच गया। कुछ दिन उसने निजी कंपनी में काम किया, लेकिन मार्शल आर्ट के अभ्यास में बाधा आने नहीं दी। कुछ धन अर्जित किया, उसके उपरांत मुंबई में फिर एक मार्शल आर्ट संस्थान में प्रवेश लिया, जहां पर उसने मार्शल आर्ट की पूर्ण शिक्षा ग्रहण की। मार्शल आर्ट में दक्षता के कारण उसकी जान पहचान अभिनेता टाइगर श्रॉफ से हुई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ की मार्शल आर्ट की अकेडमी में उसके साथ भी प्रशिक्षण प्राप्त कर मार्शल आर्ट का कड़ा अभ्यास किया। इस दौरान मटेरियल मार्शल आर्ट के जाने माने कोच शिफुजी शौर्य भारद्वाज के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप मनीष ठाकुर ने मैट्रियल मार्शल आर्ट कोच के रूप में अपनी सेवाएं मुंबई में देनी आरंभ कर दी। मनीष ठाकुर के अनुसार बॉलीवुड के अलावा पंजाब के कलाकारों के साथ उसका मार्शल आर्ट सीखने के प्रति एग्रीमेंट हुए हैं। लंबे अरसे के उपरांत कुछ माह पूर्व मुंबई से अपने परिजनों से मिलने घर आया था। COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में उसे घर पर रुकना पड़ा। उसने इस दौरान भी अपने लक्ष्य का पीछा करना नहीं छोड़ा। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लासेस लगाकर देनी आरंभ कर दी है। इसके अलावा युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाव के प्रति बिलासपुर के समीप ही लखनपुर में मार्शल आर्ट की क्लास आरंभ कर दी। मनीष ठाकुर का कहना है कि युवा वर्ग किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे, लेकिन सभी के लिए फिटनेस का होना आवश्यक है। मनीष ठाकुर का कहना है कि शीघ्र ही वे प्रदेश की प्रतिभाओं को मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के प्रति सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपने गाँव मझासू में मटीरियल मार्शल आर्ट की अकेडमी की स्थापना करेंगे। उनका कहना है कि COVID-19 महामारी के शांत होने पर वे पुनः मुंबई में अपने मिशन पर लौट जाएंगे। मनीष ठाकुर ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ा अभ्यास करवाने के प्रति अपने मार्शल आर्ट के गुरु शिफुजी शौर्य भारद्वाज और अपने पग पग पर उसका हौसला बढ़ाने एवं मार्गदर्शन के प्रति अपने माता पिता को दिया है। मैं मनीष ठाकुर मझासू का रहने वाला हूँ। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फिटनेस कोच हूँ। मैं सेलिब्रिटी के साथ ट्रेनिंग करता हूँ और आजकल लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो लोग मतलब वीडियो वायरल हुई थी उसका जो हैंड स्टैंड वॉक था, वो लोग पूछ रहे थे कि आप इतना कैसे चल दिए सर। ये तो एक तो पहली बात, ये तो इसके पीछे मतलब 4-5 साल की मैं ट्रेनिंग करता हूँ और डेली मतलब मैं करता हूँ क्रॉसफिट मार्शल आर्ट जिमनास्टिक, अलग तरह की डिफरेंट ट्रेनिंग करता हूँ। मैं मतलब कोई भी दिन मिस नहीं करता अपनी ट्रेनिंग में। जैसे डेली सुबह 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को 2 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, दिन में कंडीशनिंग करता हूँ। और जो मतलब लोग पूछते हैं कि सर हमारा गोल गोल मतलब कैसे बनाए हम, एक तो बड़ी बात ना, एक गोल रखो अपना। ज्यादा मतलब गोल बनाने का कोई फायदा नहीं है। कोई बोल रहा है कि मैं आज डॉक्टर बनूंगा, आज मैं इंजीनियरिंग करूंगा, कल को कुछ और करेगा, तो कल को मतलब कुछ भी नहीं बन पाओगे। और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि आपका कंपटीशन खुद से है, कि आप मतलब अपने से अपने तक लेवल रखो, कि कोई जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। तो मेरा उन लोगों को बोलना ये है कि कंपटीशन आपके स्कूल अकेले जाते थे। मतलब वही है ना कि अगर स्कूल अकेले जाते तो कंपटीशन किस बात का,
कंपटीशन रखो, कंपटीशन है तो मतलब आप अपनी ट्रेनिंग करोगे, हार्ड करोगे। और दूसरी बात रही कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया, तो घर वाले अगर किसी ना मतलब जो भी अगर आपका आपके पास टैलेंट है तो लोग आपके पास खुद आते हैं, बॉलीवुड हो या पंजाबी इंडस्ट्री या चाहे बाहर हो कहीं भी, तो आपको लोग मतलब बुलाते हैं, तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और दूसरी बात रही ये COVID-19 की वजह से सारा मतलब माहौल खराब हो गया, जैसे ये खुलता है उसके बाद हम इनके साथ वीडियो शूट करेंगे और इनको ट्रेनिंग करवाएंगे। नशे के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ कि डेली ट्रेनिंग करो, नशे के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। अगर जितना आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो या 4 किलोमीटर दौड़ रहे हो उसके बाद पसीना आपको इतना आएगा, नशे के खिलाफ आप सोच नहीं सकते। सर जी, मैं रतन लाल ठाकुर, ये नीश ठाकुर मेरा बेटा है। तो अभी ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेके आया था बॉम्बे से, और अभी ये बिलासपुर में भी ट्रेनिंग दे रहा है। तो अभी ये काफ़ी घर में भी सुबह और शाम दो दो तीन तीन घंटे ट्रेनिंग लेता है खुद, और अभी आगे ये बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है।